आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्लेमिंगो क्लास 12 से है। तो इसमें जो है दो पढ़ने हैं, इसमें प्रोज और पोएट्री दो सेक्शन है इसका, प्रोज और पोएट्री। तो अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यो प्रोज जो सेक्शन है उसको मैं डिस्कस करूँगा, प्रोज से ही जो है क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू है। पोएट्री से मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो इसमें सिर्फ प्रोज वाला चैप्टर ही है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, तो द लास्ट लेसन से एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जैसे बताना है कि द लास्ट लेसन स्टोरी जो है वो हाईलाइट किया गया है ह्यूमन की टेंडेंसी को, ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट है कि मेल चौविनिज्म है या प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्रेज है या क्वाडेंस है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ें तो कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को हम समरी आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। और उसको देखने के साथ ही कहानी एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। अब बताना है कि जो चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लॉस, लॉस ऑफ फ्रीडम या लॉस ऑफ लैंग्वेज या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो चैप्टर पढ़ा होगा वही समझ पाएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें जो है लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम को इसमें सिंबलाइज करता है द लास्ट लेसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अब बताना है कि इसमें जो एक कैरेक्टर फ्रेंच है, ठीक है, एक लड़का होता है, तो जब स्कूल पहुँचता है तो वो क्या देखता है, ठीक है, पहुँचने के बाद वो क्या देखता है, क्या उसको पता चलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट है कि पीपल वर डांसिंग, क्या लोग वहाँ नाच रहे थे। ऑप्शन बी स्कूल वाज क्लोज्ड, क्या स्कूल बंद हो गया था। ऑप्शन सी पुलिस पेट्रोलिंग या ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो एक अजीबोगरीब शांति था, ठीक है, तो जब वो पहुँचा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास। ये चार ऑप्शन है, वीक स्टूडेंट, टीचर, मॉनिटर ऑफ द क्लास या विलेज एल्डर्स। तो इसका देखो सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, ठीक है, विलेज एल्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैड ओनली बैड न्यूज बीन अपियरिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड बताना है कि उस पर क्या बैड न्यूज था, ठीक है, और फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 1 ईयर, द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवा ला फ्रांस, ठीक है, बिकेम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ एमएमएल्स। इसका सही ऑप्शन क्या है, सैडनेस एंड पैट्रिज्म या फिनालिटी एंड डिप्रेशन, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशन आउटब्रस्ट या ऑप्शन डी लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सैडनेस एंड पैट्रियटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर अर्ग द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट है इट इज व्हाट मेक यू रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन। ऑप्शन डी है इट इज द की टू फ्रीडम। ऑप्शन सी है यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। और ऑप्शन डी है इट इज यूनिक एंड रिफ्लेक्ट लिटरेचर आर्ट। इसके सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, ठीक है, इट इज़ द की टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल ड्रेस। क्या था एम हेमल के ड्रेस अनयूजुअल, ठीक है। तो ऑप्शन चार है वोर क्लीन क्लोथेड, वोर अ ब्रांड न्यू आउटफिट या वोर क्लोथ ही वोर ऑन प्राइज डेज या वोर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथेस। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर 2 है,
उससे एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वेयर डिड साहेब मीट द ऑथर, तो ऑप्शन चार दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है कि राउरकेला, हैदराबाद, ढाका या इन नेगबर्स, इन ऑथर्स नेगबर। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इन ऑथर्स नेगबर। आप कहानी पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आप जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि व्हाट इज लॉस्ट स्प्रिंग इन फिरोजाबाद स्टोरी अकॉर्डिंग टू एनी चैन, ठीक है। अब इसमें बताना है चार ऑप्शन से सही कौन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेश एयर फॉर रेसिडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन है चाइल्डहुड ऑफ मुकेश एंड चिल्ड्रेन इन्वॉल्व इन ग्लास मेकिंग, ऑप्शन थर्ड है अदर बिजनेस और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, चाइल्डहुड ऑफ मुकेश एंड चिल्ड्रेन इन्वॉल्व इन द ग्लास मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द लैक ऑफ यूनिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एमंग द पीपल इन द ग्लास मेकिंग बिजनेस। सही ऑप्शन कौन सा होगा, चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट है पीपल्स फियर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी नॉट फाइंडिंग टाइम टू फाइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी रिवर्स पॉलिसी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस और ऑप्शन डी है पीपल्स फियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मुकेश फैमिली नॉट वांट टू डू एनीथिंग अदर देन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो दे वर हैप्पी इन बैंगल्स मेकिंग जॉब, ऑप्शन बी है दे कंसिडर्ड इट एज देयर डेस्टिन, ऑप्शन थर्ड है दे डिडंट नो एनीथिंग एल्स और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डिड मुकेश फैमिली नॉट वांट टू डू एनीथिंग अदर मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बिगेस्ट डांसर्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास फर्नेस, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन है, क्या क्या है ऑप्शन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एडिक्शन ऑफ मनी एट यंग एज, ऑप्शन बी है देयर इज ए फियर ऑफ लॉसिंग आई ब्राइटनेस इन अर्ली एज और ऑप्शन डी है एकॉम्पनिशमेंट इज बैड या ऑप्शन डी है ड्रग एडिक्ट। तो सही इसका ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार हुज बर्डन वाज मोर ऑन साहेब्स स्टील कैनिस्टर ऑफ टी सोप और प्लास्टिक बैग ऑफ रैप, है ना, रैग पिकिंग। इसका चार ऑप्शन से क्या क्या ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि प्लास्टिक बैग ऑफ रैग पिकिंग, ऑप्शन सेकंड है स्टील कैनिस्टर ऑफ टी सोप और ऑप्शन सी है नॉट मेंशन्ड और ऑप्शन डी है बोथ इक्वली। सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्पिरिट, बताना है कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है इसका। चार ऑप्शन से कौन कौन ऑप्शन से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, सेकेंड है गार्बेज, थर्ड है साहिब एंड मुकेश और फोर्थ है स्प्रिंग सीजन। सही ऑप्शन है पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर थिंक पुअर चिल्ड्रेन लिव बेयरफुट, ठीक है। चार ऑप्शन से, इट्स अ वे ऑफ शोविंग पॉवर्टी, दे डोंट हैव मनी टू बाय, दे पेरेंट्स डोंट गेट देम या ऑप्शन फोर्थ है दे इंजॉय वॉकिंग बेयरफुट। सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन इसका ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं एमसीक्यू, ठीक है, डीप वाटर से ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ, तो इसको थोड़ा नज़र डाल लेते हैं ना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट फर्स्ट व्हाई वाज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, ऑप्शन क्या क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिकॉज ही वाज स्लीपिंग, बिकॉज ही वाज
इंटॉक्सिकेटेड या बिकॉज ऑफ थॉट एंड द लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू, या ऑप्शन फोर्थ है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन डी है, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई स्कूल इन याकिमा, ठीक है, 2 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सही ऑप्शन 2 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है, ब्यूटी को, डेप्थ ऑफ सी को, डेप्थ ऑफ ओशन को या फियर को, तो इसमें फियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डगलस ट्राइज टू येल, ठीक है, एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, नो साउंड केम आउट, हिज फादर अराइव्ड, द लाइफ गार्ड डाइव्स टू सेव हिम अप। सही ऑप्शन ऑप्शन बी होना चाहिए, नो साउंड केम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डगलस ट्राइज टू येल, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूड द ओल्ड टेरर। ऑप्शन 4 दिए हैं, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर या बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंट्रोथ, ठीक है। सही ऑप्शन इसका डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिज मदर वार्न्ड हिज अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट वॉज, क्या ऑप्शन है, अ स्ट्रॉन्ग करेंट है, इट वॉज मीन ओनली फॉर बोटिंग या मैनी पीपुल हैड राउंड देयर या इट हैड नो लाइफ गार्ड अराउंड। सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, मैनी पीपुल हैड राउंड थ्री देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, ठीक है, प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ रॉप्स, बाय पुशिंग हिम इन टू द पूल या विथ द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड पैड्स। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन डी है, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड पैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, क्या है सेंट्रल थीम इसका बताना है, द विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बींग फेयरफुल, टू लर्न स्विमिंग या ऑल, क्या है, ऑप्शन ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। नेक्स्ट चैप्टर से कुछ MCQ क्वेश्चन है, द रेड ट्रैप, ठीक है, तो इससे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड, ऑप्शन ए है नन फिक्शियस स्टाइल, ऑप्शन बी है रियलिस्टिक मैनर, ऑप्शन सी है अ फेरी टेल मैनर या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए, फेरी टेल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज विशेस, बिकॉज ऑफ ही वांट टू स्टील, बिकॉज ऑफ ही टू विथ हिज फ्रेंड या बिकॉज ही हैड नो होम, ठीक है। सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, चूँकि उसके पास कोई ना घर था और ना ही कोई रहने की जगह थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एल्डा ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, ठीक है, 4 ऑप्शन से ऑप्शन क्या है, बिकॉज सी न्यू हिम, सेकंड है ही वाज वेरी फनी, थर्ड है ही वाज गुड लुकिंग, फोर्थ है बिकॉज ऑफ हिज रिसेंबल टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पेडलर फील दैट ही हैज फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वो जो द रेड ट्रैप चैप्टर है बहुत ही एक ही तो इसमें क्वेश्चन है कि जब वो व्यक्ति जो है चला जाता है, वो भिखारी जब चला जाता है जंगल में, और जब वो फंस जाता है जंगल में, जब रास्ता ही नहीं मिलता है, तो सोच लेता है कि यही दुनिया है, दुनिया एक जाल है, ठीक है। तो जो पढ़ा होगा उसको एकदम बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी चैप्टर है उसको समरी चाहते हैं, एक कहानी चाहते हैं कि एक कहानी के जैसा हो, तो आप कमेंट करना, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी राइटर का कोई भी स्टोरी हो, चाहे नॉवेल हो चाहे पोएम हो, आप कमेंट करना, हम उसको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि बिकॉज ही फेल इन टू अ पीट या बिकॉज ही फेल इन लव विथ एडला, ठीक है, तो बिकॉज ही हर्ट इज चेंज या बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटिएबल सर्कमस्टांसेस। सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सही ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। अब उसका फाइनल मंथ में जब वो फाइनेंस में जाता है, एडला जब उसको इनवाइट करती है अपने घर, ठीक है, तब उसका हार्ट जो है क्या चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या होता है। तो एडलास वर्ड, क्या एडला के वर्ड वर्ड से उसका हार्ट चेंज हो जाता है, या एडलास अपीयरेंस, या एडलास फादर, या एडलास गुडनेस एंड केयर। ठीक है, सही ऑप्शन है एडलास गुडनेस एंड केयर, चूँकि वो बहुत ही वो जो लेडी थी वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर रही थी, अच्छे से देखभाल कर रही थी, इसलिए उसका हार्ट जो है चेंज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर पेडलर्स रैट ट्रैप मेड ऑफ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रैप, वायर्स, वुड या मिल्ड स्टील। सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सही ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड ही मेक अ लिविंग अपार्ट फ्रॉम सेलिंग रैट ट्रैप। ऑप्शन फर्स्ट है बाय पार्ट टाइम जॉब, बिगिनिंग बाय मेकिंग पेटी थेफ्ट, या ऑल ऑफ। सही है ऑप्शन बाय मेकिंग पेटी थेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द कॉटेज ऑनर ट्रीट हिम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वार्म वेलकम, सेकेंड ऑप्शन है रिप्रीमाइंडेड हिम, ऑप्शन थर्ड है नथिंग स्पेशल, ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ एवर। सही ऑप्शन ऑप्शन ए होना चाहिए, वार्म वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर से क्या एमसीक्यू है, द इंडिगो। ठीक है, द इंडिगो चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, तो बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, इंडिगो के ऑथर कौन है, लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है। ठीक है, तो लुइस पेनी है, लुइस है, या लुइस फिशर है, या फिर लुइस एरडिस है। सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, लुइस फिशर जी है द इंडिगो को लिखने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर रेडी टू फॉलो गांधी इन टू जेल, बताना है। चार ऑप्शन है इंग्लिश पैसिफिस्ट, पीजेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, या लॉयर्स। सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन तो दी है लॉयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ चंपारण, चंपारण का समस्या क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या था, ये बताना है चार ऑप्शन से। कौन कौन से ऑप्शन है, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है हाई रेंट ऑफ इंडिगो फार्मिंग, ऑप्शन थर्ड है पुअर कल्टीवेशन, या ऑप्शन फोर्थ है, ऑप्शन फोर्थ क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, या फेमिन। ये कौन सा मेन प्रॉब्लम था, ठीक है, तो पुअर कल्टीवेशन था या कौन था, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर इंस्टीड ऑफ चंपारण, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स, या टू मीट जे बी कृपलानी, या टू विजिट आर्ट्स कॉलेज, या टू विजिट शांति निकेतन स्कूल। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का कैपिटल क्या था। ठीक है, तिरहुट था, मोतिहारी था, पटना था, या नोट मेंशनड, तो बताना है इसका, तो बताना कमेंट करके कि कैपिटल ऑफ चंपारण का क्या था। ठीक है, चंपारण का राजधानी कहाँ था, ठीक है, क्या था, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन से मोतिहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री डेवलप द सिंथेटिक इंडिगो, कौन सा देश जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया था, इंग्लैंड, जर्मनी, या जम्पू द्वीपा, या कौन सा और ऑप्शन है, जापान। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है द पोएट एंड पैनकेक्स। द पोएट एंड पैनकेक्स से एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। डैश है, ठीक है, वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के खोजने वाले कौन थे। ठीक है, ऑप्शन चार है, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन है कोथामंगलम शुभ, या विजयंतीमाला, या अशोका मित्रन, या एसएस वसंत। एसएस वसंत थे द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द खाली स्थान है ना, वाज ऑथर्स जॉब इन जेमिनी स्टूडियो, क्या था, ऑफिस बॉय, मेकअप ऑफ आर्टिस्ट, कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर क्लिप, या हेल्पिंग हैंड ऑफ बॉस,
कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वकामित्र हैज मेंशन अबाउट जेमिनी स्टूडियो इन डैश बुक इंद्रू, माई ईयर्स विथ बोस, अमाकुव और नाल या ऑप्शन। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, माई ईयर्स विथ बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज वाज मिसिंग इन सुबू। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिएटिविटी, सेकेंड है चेयरफुल, थर्ड है लॉयलिटी और फोर्थ है इंडिपेंडेंट। सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, डी होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन डैश, कहाँ था? मद्रास में, कलकत्ता में, सिकंदराबाद में या लखनऊ में, कहाँ था? तो सही ऑप्शन है मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नो वन अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ द एडिटर द चीफ गेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। सही ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज एंसेंट, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ नो हाउ ऑन प्ले या बिकॉज ऑफ पुअर कमांड ओवर इंग्लिश बाई पीपुल इन जेमिनी स्टूडियो या ऑप्शन फोर बिकॉज ही वाज टू बोरिंग। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, बिकॉज ऑफ हिज एसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वाई ऑथर कॉल्ड जेमिनी स्टूडियो एज द फेवरेट हॉन्ट फॉर पोएट्स। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है बिकॉज पोएट्स ऑफन केम टू ड्रिंक कॉफी देयर, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ पोएट्री इन तमिल शोज या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है बिकॉज इट वाज फुल ऑफ ग्रेट पोएट्स। सही ऑप्शन ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे है देख लेते हैं इसको भी। द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिस्ट डैश दिया है, क्या होगा? चार ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, बिकॉज इट इज चीप, बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर रीच या ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोट द नोवेल एलिस इन वंडरलैंड। अब कौन ये लिखा है नोवेल एलिस इन वंडरलैंड? बी एस नेपॉल, लेविस कैरोल, रुडियार्ड किपलिंग या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सही ऑप्शन है लेविस कैरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज इम्बर्टो इको। इम्बर्टो इको कौन है? ठीक है, तो ए नोबलिस्ट, ए पॉलिटिशियंस, ए जर्नलिस्ट या ए प्रोटैगनिस्ट। सही ऑप्शन है ए नोबलिस्ट। ठीक है, उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू रुडियार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ फील अबाउट इंटरव्यूज। ठीक है, पैथेटिक, वे टू एक्सप्रेस फीलिंग, ऑफेंसिव, क्राइम अगेंस्ट पर्सन या वे टू अर्न मनी। सही ऑप्शन कौन होना चाहिए? सही ऑप्शन होना चाहिए सी, ऑफेंसिव, क्राइम अगेंस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इम्बर्टो हैज रिटेन डैश नोवेल, क्या 5, 15, 1 या 35? तो इसका सही ऑप्शन है 5। ठीक है, तो इस तरह से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने अभी सिर्फ आपको प्रोथ से कराया है, बहुत ही जल्द आपको पोएट्री से भी क्वेश्चन करा दूंगा और ग्रामर इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन करा दूंगा एमसीक्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।